ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में जालौन में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बच्चों ने वैक्सीनेशन कराया। वहीं इस दौरान बच्चों के परिजनों से सरकार द्वारा की गई इस पहल की सराहना की, साथ ही उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। टाउनहॉल पे आए हैं वैक्सीन लगवाने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को। यहाँ पे महामारी जैसे बीमारी चल रही है, तो यहाँ पे कोवैक्सीन मतलब कोवैक्सीन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे 15 से 18 साल बच्चों को कोवैक्सीन लग रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, पहल है। अगर नहीं लगवाएंगे तो हमें भी दिक्कतें आ सकती हैं और भी अदरवाइज किसी भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जनता, यहाँ की व्यवस्था अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारे DM साहब यहाँ की व्यवस्था अच्छा करा दे थोड़ा, क्योंकि अभी व्यवस्था अनकम्प्लीटेड है। हम लोग भारत की जो स्कीम चल रही है 15 से 18 वर्ष के जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, और वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ा रही हूँ, वहाँ से मैंने बच्चों को बुलाया है और ये वैक्सीनेशन मैंने यहाँ कैंप में कराया है। और मैं चाहती हूँ कि हर अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड जरूर कराए, क्योंकि कोरोना की महामारी से बचने का सबसे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNews.